This is Dr. Abhishek Soni from the Department of Pharmaceutics. Today we are going to discuss capsule and its evaluation test. Capsule are the solid doses form in which the drug formulation in a powder, solution, suspension, or a combination of the miscible liquid or a simple liquid formulation is enclosed in a cell. Depending on the composition of a gelatin cell, कैप्सूल कैन बी हार्ड और पाउडर और सॉलिड फील्ड वेर आर दॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर यूज फॉर सेमी सॉलिड और हार्ड कैप्सूल है लिक्विड और कैप्सूल आपके पास सॉलिड ओजिस फॉर्म है ठीक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं किसी भी सस्पेंशन हो गया सॉल्यूशन हो गया पाउडर हो गया या कम्बिनेशन ऑफ लिक्विड्स हो गया सिंपल लिक्विड फॉर्मुलेशन हो गया उसको हम उस सेल के अंदर एनक्लोज करते हैं और ये जो आपके पास कंपोजिशन रहती है और जिलेटिन सेल के अंदर जो हम फिल करते हैं ठीक है ये डिपेंड करता है हमारे पास नेचर ऑफ द प्रोडक्ट हमारे पास अगर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है ठीक है तो हम क्या करेंगे मेनली हमारे पास पाउडर रहेगा और जो अगर आपके पास सॉफ्ट करेंगे पाउडर तो और सॉलिड फील्स रहेंगे और सॉफ्ट कैप्सूल में क्या रहेंगे सेमी सॉलिड और लिक्विड पर हम क्या कर रहे हैं हार्ड कैप्सूल के अंदर लिक्विड और सेमी सॉलिड फील्स को भी ऐड कर सकते हैं ठीक है पर हम क्या करेंगे मोस्टली हम ऐड करेंगे पाउडर को और

जो कैप्सूल की फॉर्मूलेशन आपके पास हो रही है ठीक है हम क्या करते हैं फिलिंग ऑफ द कैप्सूल है उसके बाद उसका नंबर ऑफ जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रहते हैं जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं ठीक है थीके? वो उसको एंश्योर करते हैं ठीक है थीके? तो आपके पास जो प्रोडक्ट uh, बन रहा है वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है अब उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं दिस टेस्ट भी डिस्कस इन थ्री कैटेगरीज इन प्रोसेस टेस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट टेस्ट एंड

न बी यूज एज अ गाइड टू अल्टरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पैरामीटर इन प्रोसेस नेम इंडिकेट कर रहा है प्रोसेस के दौरान ठीक है जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है जो पर्सनली आपके पास कोई बैच चला हुआ है कैसे कंपनी में तो हम क्या करेंगे उसके दौरान जो मैन्युफेक्चरिंग के दौरान हम करेंगे कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे ठीक है वो आपके पास इन प्रोसेस टेस्ट पैरामीटर्स हैं ठीक है कैप्सूल्स के लिए ड्यूरिंग द एनकैप्सुलेशन ऑफ अ जेल जिलेटिन कैप्सूल द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर यूजली क्लोजली मॉनिटर एंड कंट्रोल जेल रिबन थिकनेस एंड द यूनिफॉर्म अक्रॉस द रिबन सॉफ्ट जेल सील थिकनेस एट द टाइम ऑफ एनकैप्सुलेशन वेट ऑफ द कैप्सूल फिल एंड इट्स वेरिएशन फ्रॉम कैप्सूल टू कैप्सूल कैप्सूल फ्रॉम कैप्सूल है तो जेल रिबन की थिकनेस आपके पास है उसमें यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस द रिबन कितनी रहेगी वो चेक करनी है सॉफ्ट जेल जो सील थिकनेस रहेगा ठीक है एट द टाइम ऑफ एनकैप्सुलेशन जब उसके अंदर किसी चीज को ऐड कर रहे हैं ठीक है वेट ऑफ द कैप्सूल फिल

आइडेंटिफाई वेदर द बैच इज एक्सेप्टेबल फॉर मार्केट मार्केटिंग और इट्स इंटेंडिड यूज आपके पास जो फिनिश्ड प्रोडक्ट कैप्सूल जो आप बनोग बनाओगे ठीक है उसके बाद भी उसका टेस्ट होंगे जैसे आपने इन प्रोसेस में टेस्ट किए थे वैसे टेस्ट आपके पास क्या रहेंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट के भी रहेंगे अब फिनिश्ड प्रोडक्ट के ट जो आपके पास टेस्ट हैं ठीक है वो आपके पास क्या करेंगे आपके पास जो बैच बना हुआ कैप्सूल का वो एक्सेप्टेबल है मार्केटिंग के लिए और जो उसका इंटेंडिड यूज है ठीक है अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तभी आपके पास प्रोडक्ट क्या है मार्केट में जाएगा नेक्स्ट आपके पास है फिनिश्ड कैप्सूल आर इवेल्यूएटेड बाय द फॉलोइंग टेस्ट फर्स्ट है आपके पास परमेबिलिटी एंड द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर टेस्टेड फॉर फिजिकल इंटीग्रिटी अब्सेंस ऑफ द लीकेज विजुअल इंस्पेक्शन सिमिलरली हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आर टेस्टेड फॉर एनी ब्रीच ऑफ द फिजिकल इंटीग्रिटी ब्रेकेज एंड ओपन कैप एंड बॉडी जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है पर्मेबिलिटी एंड सीलिंग ठीक है आपके पास कोई रिसाव तो नहीं हो रहा है या आपके पास प्रॉपर सील है ठीक है वो चेक करेंगे हम इस टेस्ट में तो जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है उसमें कोई लीकेज तो नहीं है ठीक है वो हम चेक करेंगे और जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है उसमें क्या करेंगे

टैबलेट का आपने परफॉर्म किया था सेम उसी के तरह ही आपके पास क्या रहेगा uh, जो कैप्सूल का भी रहता है पर लिटिल बिट चेंज रहते हैं ठीक है थीके? उसका मैथ जो प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग है कैसे रहेगा देखिए वीट वेरिएशन टेस्ट फॉर द हार्ट जिलेटिन कैप्सूल टेन Hard gelatin capsules are usually weighted individually and the content are removed. The emptied cell are individually weighted and net weight of the content is calculated by abstracting the weight of cell from the respective gross weight. The content of active ingredient in each capsule may be determined by calculation based on the percent drug content in the formation. The procedure are repeated with another 16 capsule the average net weight are determined from the sum of individual net weight. The percentage of determination from the average net weight for each capsule are determined. हम क्या करेंगे? 10 hard gelatin capsule को weight करेंगे individually, ठीक है? और उसका क्या करेंगे? जो content है उसको remove कर देंगे, जो उसके अंदर जो material fill है उसको remove कर देंगे। और जो empty cell है उसको दुबारा हम क्या करेंगे? उसका weight करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है तो एवरेज वेट ऑफ द कैप्सूल अगर लेस देन ऑफ थ्री हंड्रेड एम जी है ठीक है तो आपके पास डेविएशन प्लस माइनस टेन है और प्लस माइनस ट्वेंटी है तो मिनिमम आपके पास एटीन uh, जो कैप्सूल हैं वो पास करने चाहिए ठीक है और जो आपके पास जो मैक्सिमम आपके पास क्या है जो दो ड्रग आपके पास, दो दो सैंपल्स हैं वो आपके पास रह सकते हैं वैसे आपके पास अगर थ्री हंड्रेड एम जी से ज़्यादा है तीन सौ एम जी और तीन सौ एम जी से ज़्यादा है तो आपके पास जो डेविएशन है वो सेवन पॉइंट फाइव और 15 है तो इसमें जो मैक्सिमम आपके पास होने चाहिए वो 18 पास होने चाहिए और टू आपके पास अगर फेल होते हैं तब भी आपके पास क्या है वो एक्सेप्टेबल है यूनिफॉर्मिटी कॉन्टेंट ऑफ द एक्टिव इनग्रीडियंट दिस टेस्ट इज परफॉर्म ओनली वेन द कॉन्टेंट इज स्पेसिफाइन इंडिविजुअल मोनोग्राफ एंड वेन द कैप्सूल फेल वेट वेरिएशन टेस्ट देखिए आपके पास क्या सुजेस्ट कर रहा है अगर आपके पास कोई भी कैप्सूल वेट वेरिएशन टेस्ट को फेल कर रहा है ठीक है और इंडिविजुअल आपके पास मोनोग्राफ देख रखा हुआ है ठीक है इफ द वेट ऑफ द कैप्सूल इज कम्पलीटली फील्ड नो नीड ऑफ दिस टेस्ट ठीक है अब आपके पास क्या है अगर आपके पास वो वेट वेरिएशन टेस्ट को पास कर रहा है तो इस टेस्ट की आपके पास जरूरत नहीं है जनरली ट्वेंटी कैप्सूल्स फॉर और सच अदर नंबर्स में बी इंडिकेटेड इन द मोनोग्राफ आर यूज इन द एसे

अगर आपके पास 20 कैप्सूल अवेलेबल नहीं है टेस्ट के लिए तो हम क्या करेंगे उससे कम भी ले सकते हैं पर पाँच से आपके पास कम नहीं होने चाहिए तो आपके पास कुछ वेट वेरिएशन और परसेंटेज के लिए जो लिमिट्स हैं उसके क्राइटेरिया हैं अगर आपके पास 0.5 ग्राम और लेस है और 0.5 ग्राम और लेस देन ऑफ जीरो ग्राम और जीरो ग्राम और उससे मोर है ठीक है तो सब्सटेक्ट करना है आपने लोअर लिमिट ऑफ सैंपल अगर पंद्रह है दस है और पाँच ले रहे हैं ठीक है वही एड करना है अपर लिमिट में

रूम टेम्परेचर ओवर पीरियड ऑफ थर्टी मिनट फॉलोड बाई व इंडिविजुअल इनग्रीडियंट इन द Of the capsule can be determined by calculating based on the percentage the content in the formulation. Field weight variation of the capsule is often function as equipment set and filling operation. An automated capsule scissor machine and the weight seeker is frequently used to discard over or under filled capsule. स्टेस में आपने क्या करना है जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है ठीक है आपने टेन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल को लेना है ठीक है उसको इंडिविजुअली आपने वेट करना है उसके बाद उसको कट करके आ, सुटेबल जो आपके पास सीजर हो सकता है सार ब्लेड हो सकती है ठीक है और जो उसका जो कंटेंट है ठीक है उसको रिमूव करना है और जो आपके पास जो सॉफ्ट जेलिन सेल है उसको सोलबैंड के साथ वॉश करना है और थर्टी मिनट के लिए इवेपोरेशन के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देना है ताकि आपके पास वो सोलबैंड रिमूव हो जाए उसके बाद जो नेट कंटेंट है वो कैलकुलेट करना है और सबिंग द कॉन्टेंट ऑफ द एक्टिव इनग्रीडियंट इन द ईच ऑफ द कैप्सूल कैन बी बाय कैलकुलेटिंग द बेस परसेंटेज डिटर वेट वेरिएशन ऑफ द कैप्सूल इज ऑफ्टन फंक्शन ऑफ इक्विपमेंट सेट और फिलिंग ऑपरेशन और जो ऑटोमेटेड कैप्सूल सीजर मशीन एंड जो वेट चेकर इन द फ्रिक्वेंसी यूज टू डिस्गार्ड ओवर अंडरफिल्ड कैप्सूल

open at the top and held against of the 10 mesh screen at the bottom and of the basket rack assembly one capsule is placed in the each tube and the basket rack is positioned in a specific medium at the 37 plus minus 2 degrees celsius such that the capsule remain 2.5 centimeter below the surface of a liquid on there upon movement अपवर्ड मूवमेंट एंडलीमी एटी सिक्स टू साइकिल जो आपके पास टैबलेट के लिए परफॉर्म है? करते हैं तो यू एस पे डिसिंटिगेशन अपरेटर्स को हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करते हैं Six, आपके पास जो क्या करता है सिक्स ग्लास रॉड ट्यूब्स आपके पास उसने कंटेन रहता है थ्री इंच लॉन्ग ट्यूब रहती है और टेन जो आपके पास स्क्रीन होती है बॉटम एंड के ऊपर और हम क्या करते हैं एक कैप्सूल को एक जो ट्यूब है उसके अंदर प्लेस किया जाता है और जो मीडियम रहेगा आपके पास वो 37 डिग्री और प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस का जो मीडियम रहता है और जो कैप्सूल है वो आपके पास 2.5 सेंटीमीटर बिलो ठीक है वो रहना चाहिए ठीक है और आपके पास आ, जो अपवर्ड मूवमेंट है और जो डिसेंट है नॉट क्लोजर देन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर बास्केट असेंबली जो आपके पास मूवमेंट रहना चाहिए थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 5 टू 6 सेंटीमीटर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 28 टू 32 साइकिल्स पर मिनट ये पूछा भी जा सकता है कितना साइकिल्स होने चाहिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए मैच साइज कितना रहता है कितनी ग्लास ट्यूब्स रहती हैं और टेम्परेचर कितना रहता है

और आपके पास हम क्या करेंगे यहां पे इस वाले पोर्शन में कैप्सूल को प्लेस करेंगे ठीक है अब हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है उसको 30 मिनट्स आपके पास टाइम है और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल है वो विदिन आपके पास 60 मिनट्स के अंदर डिसइंटीग्रेट होना चाहिए इंपॉर्टेंट है इसको नोट डाउन कीजिएगा नेक्स्ट आपके पास है रिजोल्यूशन टेस्ट फॉर कैप्सूल Drug absorption and the physiologically availability depends on the drug substance being in the dissolved state at the site of drug absorption. The rate and the extent of the dissolution of the drug from the capsule dosage form is attested by the dissolution test. This test provide mean of the quality control in ensuring that the different batches of the drug product have a similar drug release characteristics and that a given batch has a similar dissolution as the batch of the capsule.

इस वाले यहाँ पे कैप्सूल को फिल डालेंगे ठीक है और इसको रोटेट करेंगे जो इसका प्रोसीजर रहेगा अब आपके पास क्या रहेगा जितना आपने सैंपल पर आर के हिसाब से आप 30 मिनट में उठा रहे हो 50 मिनट में उठा रहे हो वन आर में उठा रहे हो तो अगर 5 एम सैंपल आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपने क्या करना है 5 एम सैंपल ही इसके अंदर आपको दोबारा डालना है और उसको आप यूवी स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री चेक कर सकते हो

एस वन के सिक्स और एस टू के सिक्स ठीक है इज इक्वल टू और द ग्रेटर देन ऑफ क्यू और नॉट नो यूनिट इज लेस देन ऑफ क्यू माइनस ऑफ अब स्टेज स्टेज पे जाएंगे S3 stage में नंबर ऑफ कैप्सूल हो गए ट्वेल्व पर यहाँ पे एवरेज किसका निकलेगा ट्वेंटी फोर का जैसे हमने एस टू में किया था सिक्स प्लस सिक्स यहाँ ट्वेल्व प्लस सिक्स प्लस सिक्स तो मार्च टॉप्टैप्सुलने हो गए टेस्टिंग के लिए ट्वेंटी फोर ठीक है इसके लिए क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारे पास Is equal to or a greater than q or no more than of two unit are less than of q minus 15 okay? or no unit is less than of q minus of 15 percent. Moisture content, water content of the entire capsule or the capsule content are determined by the Carl fissure titration to enable the

the dosage unit together with the color relieving descent palette exposing the package unit to known relative humidity over the specific time observing the descent palette for color change indicating the absorption of the moisture and comparing the pre test and post test test for the packaging unit मॉइस्चर परमिलिटी जो आपके पास टेस्ट है ठीक है उसको परफॉर्म करेंगे हम मेनली जो परमियेसन रहेगा कैप्सूल्स का ठीक है इसको क्या करते हैं हम सबसे पहले सिंगल यूनिट पे करते हैं और जो यूनिट डोज का कंटेनर्स हैं उसके साथ उसको परफॉर्म करते हैं ठीक है इसमें हम क्या करते हैं एक स्पेसिफिक जो सिंगल डोज है ठीक है उसका मॉइस्चर कंटेंट को हम जो परमिशन है उसको चेक करेंगे और साथ साथ हम इसमें क्या करेंगे आ, जो यूनिट डोजेज है ठीक है उसको पैकेजिंग में ठीक है उसको इकट्ठा करके एक पैकेजिंग में उसको रखेंगे और स्पेसिफिक जो हमारे पास एक कलर जो आ, पैकेज रहेगा उसमें उसको क्या करेंगे एक्सपोज करेंगे विद स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसी ह्यूमिडिटी के ऊपर हमने उसको रखना है ठीक है हमने क्या करना है वहां से उसका कलर चेंज क्या रहा उसको चेक करना है हम क्या करेंगे टेस्ट से पहले कौन सा कलर था ठीक है और टेस्ट के बाद आपके पास क्या कलर आया जो पैकेजिंग यूनिट था ठीक है उसको चेक करना है इसे हमारे पास क्या करेगा मॉइस्चर मॉइस्टर टेस्ट का कंफर्मेशन होगा ये मेनली आपके पास क्या है जो जो पैकेजिंग ऑफ कैप्सूल है उसकी स्टेबिलिटी के लिए है तो आपके आपके पास पास पैकेजिंग कैप्सूल की है वो प्रॉपर होनी चाहिए उसके अंदर कोई परमियशन तो नहीं हो रहा मॉइस्चर तो नहीं जा रहा डिग्रेड तो नहीं हो रहा है नेक्स्ट आपके पास है माइक्रोवेल कॉन्टेंट द कैप्सूल आर टू एंश्योर लैक ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड Mold by the microbiological test. These tests are usually carried out by incubation of a capsule content in growth medium and containing the colonies formed after the predefinite defined period of time. Selection of the growth medium and duration of the test, as well as maintain a septic condition during the testing or क्रिटिकल टू सक्सेसफुल असेसमेंट ऑफ माइक्रोवियल कॉन्टेमिनेशन बाय दिस मेथड जो microbial content है नेम इंडिकेट कर है जो microbial या बैक्टीरिया की आपके पास ग्रोथ ना होना चाहिए हम इसको क्या करेंगे अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको चेक करेंगे ठीक है कौन से मेथड से करेंगे माइक्रोबियल टेस्ट करेंगे ठीक है these टेस्ट आर यूजली carried आउट बाय incubation ऑफ द कैप्सूल इन द ग्रोथ ऑफ द मीडियम एंड काउंटिंग द colonies. को हम क्या करेंगे काउंट करेंगे ठीक है Self-life these tests are frequently carried out after def definite period of a storage at a predetermined condition. They help to assign and verify self-life and instability of the drug product. Now the stability testing of the capsule. Stability testing of a capsule is performed to determine the physiochemical stability of a drug substance in a finished drug product under specific package and recommended storage condition. Interesting stability of active drug molecules and the influence of environmental factors such as temperature, humidity, light on form formation components and the container are closer system. The batteries of stress testing long term stability and accelerated stability test help determine the appropriate storage condition and the product anticipated self-life स्टेबिलिटी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट रहता है ठीक है हम क्या करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको चेक करेंगे स्पेसिफिक uh, कंडीशन के ऊपर आपको क्या करना है उसको कंडीशन रखना है जैसे टेम्परेचर हो गया ह्यूमिडिटी हो गया लाइट हो गया तो स्टेस्ट test टेस्टिंग हो सकती है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपके पास है और आपके पास क्या है एक्सलेटेड स्टडी भी आप इसके लिए परफॉर्म कर सकते हो तो टेस्ट कंडीशन है रूम टेम्परेचर है इन एन ओपन कंटेनर आपके पास है अगर फोर्टी 40 डिग्री सेल्सियस हैं ओपन कंटेनर 40 डिग्री सेल्सियस ना, क्लोज कंटेनर आपके पास है तो कैप्सूल आर ऑब्जर्व पीरियडिकली फॉर 2 वीक बोथ ग्रॉस एंड द स्टेबल इफेक्ट ऑफ द स्टोरेज कंडीशन आर नोटेड एंड रिकॉर्डेड द कंट्रोल कैप्सूल शुड नॉट अफेक्टेड एक्सेप्टेड ऑफ द 80% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी स्टेशंस तो ये आपके पास क्राइटेरिया है ये फुलफिल करने चाहिए तो आपके पास क्या है इवैल्यूएशन टेस्ट थे कैप्सूल्स के ठीक है आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू